फाइनली हमारा पोहा बनके रेडी। ये चेक करो गाइस, फाइनली पोहा बनके कंप्लीट। तो स्वागत है जी हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप के अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो सुबह से आज हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है खाने के लिए, क्योंकि मुझे सुबह से बहुत भूख लगी हुई है, पता नहीं कहाँ गई हैं सिस्टर लोग। तो चलिए दिखा दें सिस्टर लोग क्या कर रही हैं। तो अंदर कुछ जुगाड़ पानी होगी। तो यहाँ पे नाश्ते की तैयारी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बनेगा हमारा पोहा। तो सबसे पहले प्याज काट रही हैं और हरी मिर्च और साथ में एक आलू भी। ये रहा पोहा, आज पोहा बनेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे पोहा बनाती हैं हमारी सिस्टर। तो बने रहिए ब्लॉग में आगे। इसे चेक करो, सब कुछ कट चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पोहे की तैयारी लग रही है कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं आप गाइस। तो गाइस गैस हो गया है चालू, वो एक कढ़ाई चढ़ चुकी है। अब देखते हैं, ये आ गया है हमारा पोहा। तो गाइस ये डाल चुकी है तेल, अब इसकी गरम होने का वेट करेंगे। हाँ 10-5 मिनट वेट करेंगे गरम होने दें। हाँ ये रहा पोहा गाइस, थोड़ा और क्योंकि घर के सदस्य ज्यादा हैं। अभी तेल गरम हो रहा है गाइस, देख सकते हैं आप लोग। 5 मिनट और रुकिए। और गाइस यहाँ पे लाइट चली गई है, आप देख सकते हैं बल्ब है। तो अंधेरा हो चुका है यहाँ पे, तो हम लोग अपने मोबाइल जलाए हुए हैं। और फाइनली गाइस हमारा तेल कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले क्या डालते हैं, इसमें डालते हैं थोड़े जीरा। हाँ तो जीरे डाल चुके हैं, प्याज, अब गाइस प्याज डाल दी है, मिर्च डाल चुकी है, अब थोड़ी गर्म होगी, अब थोड़ी इसको पका लेते हैं। बाद में आलू भी डालेंगे। डाल दिए हैं आलू गाइस, इनको भी पकने देते हैं। फिर उसके बाद गाइस पोहे को अच्छी तरह से पानी से, अच्छे पानी से धोया जाएगा। उसके बाद पोहा को भी डाल देंगे। अरे यार प्याज। तो गाइस अभी सिस्टर गई है हल्दी को लेने, तब तक के लिए हम ही पका देते हैं कुछ। आज गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आपके यहाँ भी ऐसी गर्मी हो रही होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस। अब हमारा पोहा जो है पानी में अच्छी तरह से धो रही है सिस्टर। उसके बाद धोने के बाद फिर पोहे को कढ़ाई में डाल देंगे। ये चेक करो गाइस, ये पोहा धुल चुका है, अब पोहा डलेगा कढ़ाई के अंदर। तो फटाफट से कढ़ाई के अंदर पोहा डलने वाला है। इसमें अब फाइनली हल्दी डाल रही है थोड़ी सी, ये डाल दी है हल्दी, कलर आ जाएगा मस्त वाला बिल्कुल। ये डाल दिया है नमक स्वाद के लिए, अब बिल्कुल येलो कलर आ जाएगा। तो अब फाइनली हम लोग डालते हैं इसमें पोहा। तो ये डाल दिया पोहा, अब देखना कुछ ही मिनट बाद येलो कलर आ जाएगा। तो ये व्हाइट दिख रहा है, देख भाई, देख चेक करो गाइस। आज तो ये खाने में भी मज़ा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। ये देख सकते हैं आप, कलर ऑटोमेटिक चेंज, व्हाइट से येलो हो गया। हमारा पोहा बनके रेडी। सिस्टर ने बहुत मेहनत की, उसके लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। गाइस
फाइनली पोहा बनके रेडी है, देख सकते हैं आप। ये चेक करो गाइस, फाइनली पोहा बनके कंप्लीट। अब हम लोग खाएंगे मस्त मस्त, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए हम लोग आ गए हैं बाहर, तो बाहर हम खाएंगे पोहे को। ये बात, सबसे पहले सिस्टर को ज़्यादा भूख लगी थी तो सिस्टर खा रही हैं सबसे पहले, देख सकते हैं आप। अभी हम भी खाएंगे। फाइनली हम पोहा खा कर आ गए हैं बाहर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, तो थोड़ी बाहर की हवा लेंगे। तो गाइस आज के इस ब्लॉग में इतना ही, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।